हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक फ़ोन को जो कि बहुत टाइम से इसका इंतज़ार था लोगों को। और ये फ़ोन है वो माइक्रोमैक्स का जो कि है UAC। ये फ़ोन काफ़ी अच्छा फ़ोन है और अगर आप इस फ़ोन को यूज़ करेंगे तो मेरे समझ से ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैं आपका इसका रिव्यू आपको दिखाने वाला हूँ कि इस फ़ोन की क्वालिटी क्या है और इस फ़ोन में रैम कितनी है या फिर ये फ़ोन किस तरह से वर्क करेगा और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें क्या दी हुई हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कि इस फ़ोन में क्या क्वालिटी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, या ये फोन आपके लिए महंगा पड़ेगा या फिर आपके लिए सस्ता पड़ेगा। ये है आपका फोन जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, ये है UAC जो कि आपका माइक्रोमैक्स का फोन है। और अगर आप इस फोन को लेना चाहते हो तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि ये फोन आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा और इस डिस्क्रिप्शन पे मैंने इसका लिंक दे दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बॉक्स की। तो बॉक्स जो है वो काफी अच्छा है और दिखने में भी काफी अच्छा बॉक्स लग रहा है और इन्होंने इस पे फ्लैग बनाया हुआ है और माइट भी जैसा लगता है कि ये इंडियन फ्लैग है, लेकिन इंडियन फ्लैग नहीं है। लेकिन बॉक्स काफी अच्छा है। और मैं सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो मैं देखूं अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन काफी अच्छी है इसकी। जैसे कि इसमें जो स्क्रीन दी हुई है 18.9 फुल डिस्प्ले स्क्रीन है। इसमें जो सबसे यूनिक चीज मुझे लगती है वो ये है कि इसमें फेस अनलॉक का फीचर दिया हुआ है जो कि ये फीचर सारे में नहीं है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ रेडमी के नोट 5 से या फिर रेडमी 5 प्रो से, तो उसके कंपेयर में ये फोन काफी अच्छा है क्योंकि इसमें फेस डिटेक्शन दिया हुआ है। सेकंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है वो है फिंगरप्रिंट्स, जो कि फिंगरप्रिंट्स आपको 5000 या 6000 के फोन पे जल्दी नहीं मिलते हैं, तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट्स मिलेगा। एंड थर्ड थिंग आपका है ओरियो, जो कि एंड्रॉयड ओरियो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है एंड्रॉयड ओरियो, जिसके जिसमें बहुत सारे फोन में अभी ये फीचर या ये ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, जो कि आपको यहाँ पे एंड्रॉयड ओरियो मिलता है। आपको इसमें डुअल सिम मिलती है, डुअल सिम में जो कि बहुत सारे फोन ऐसे हैं जिसमें डुअल सिम में एक वोल्टी होता है दूसरा वोल्टी नहीं होता, मीन्स 4G नहीं होता, लेकिन इसमें आपको दोनों नैनो सिम के साथ आपको दोनों 4G सिम मिलते हैं, आप दोनों 4G सिम यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप मैं बात करूँ तो इसकी रैम की, तो 2GB रैम है, आपको इंटरनल 16GB आपको रोम मिलती है और आपको 4000 mAh की एक बैटरी मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस फ़ोन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और आपको मैंने बता दिया फेस अनलॉक का फीचर है ही। उसके अलावा जो इसकी स्क्रीन है फुल स्क्रीन, वो भी HD डिस्प्ले के साथ है जो कि काफ़ी अच्छा आपको डिस्प्ले दे सकती है। और अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो जो कैमरा इसका है वो रियर कैमरा है 13 मेगापिक्सल, जो कि अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। और उसके अलावा जो कि इसका फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल, जो कि 5 मेगापिक्सल काफ़ी अच्छा इसमें आपको लुक दे रहा है और काफ़ी अच्छी स्क्रीन दे रहा है। मैं आपको आने इसमें इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसके फ्रंट कैमरे की या फिर आपके बैक रियर कैमरे की किस तरीके से फोटो आ रही है। तो चलिए आइए हम ओपन करते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं कि इसमें और क्या फैसिलिटी है। तो ये है हमारा फोन आपका UAC। और अब आते हैं हम फोन के अंदर, ये है इसका बॉक्स और ये है आपका फोन UAC, जो कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये आपका फोन है। इसके साथ साथ क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो इसके साथ जो मिलती हैं वो चीजें हैं आपका पैकिंग काफी अच्छी दी हुई है इन्होंने। एक मिलता है आपको चार्जर जो कि USB के साथ है, उसके अलावा जो आपको मिलता है वो है इसका USB पोर्ट जो कि आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम अब आते हैं हम फ़ोन की तरफ जो कि सबसे मेन चीज़ है, ये है हमारा फ़ोन। और फ़ोन का लुक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्लॉसी है और ये काफ़ी शाइनिंग दिखती है इस फ़ोन के अंदर, जो कि सबसे अच्छा फीचर इसमें ये है फिंगरप्रिंट्स है, आप फिंगरप्रिंट के साथ आप अपने फ़ोन को लॉक और लॉक कर सकते हैं। दूसरा जो कि फेस इसमें डिटेक्शन दिया हुआ है कि अपने आप फ़ोन को फेस डिटेक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं और आप आपको फेस को
आपके फ़ोन को अगर अनलॉक करना है तो आप फेस अनलॉक से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसमें कैमरे की क्वालिटी अभी आपको दिखा दूंगा स्क्रीन शॉट के साथ कि कैमरे की क्वालिटी इसकी कैसी है, और इसमें लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड ओरियो पड़ा हुआ है जो कि अभी बहुत सारे फ़ोन में अवेलेबल नहीं है, और इतने कम प्राइस के फ़ोन में तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। और अगर बात करूँ मैं नोट से रेडमी के फ़ोन से, तो रेडमी के फ़ोन से तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें दो नए फीचर दिए हुए हैं, पहली बात तो वो है आपका फिंगरप्रिंट्स, दूसरा आपका है फेस डिटेक्शन, तीसरा आपका है लेटेस्ट एंड्रॉयड ओरियो। तो ये रहा इसका जो है टोटली रिव्यू। अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके फ्लिपकार्ट का लिंक दिया हुआ है उस पर जाके आप इस फोन को खरीद सकते हो। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो, ये फ़ोन आपको पसंद आया हो जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्लोसी है, काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ये फ़ोन पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है, फ्लिपकार्ट पे आप कैसे इसको खरीद सकते हैं वहाँ से आप इसको ले लीजिए।